अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हमारी अम्मा बनाने जा रही हैं लेमन पेपर चिकन। तो लेमन पेपर चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हमने चिकन लिया है और इसमें हमने कट्स लगा लिए थे। अब इसमें हम 4 चम्मच दही डालेंगे। दही डालने के बाद हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और इसके बाद हम इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे। काली मिर्च पाउडर डालने के बाद हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डालिए। और इसके बाद हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। हम इसमें कम से कम 1 नींबू का रस डालेंगे ताकि अच्छे से उसका टेस्ट इसमें आ जाए। और इसके बाद हम इसमें 7-8 जवे लहसुन के, जिन्हें हमने महीन काट लिया था, इन्हें हम इसमें डालेंगे। लहसुन के जवे डालने के बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे अच्छे से आपस में मिक्स करने के बाद हम इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पे एक पैन में हमने थोड़ा सा तेल डाला है और इस तेल में अब हम थोड़ा सा मक्खन डालेंगे। मक्खन के अच्छे से मेल्ट हो जाने के बाद हम इसमें दालचीनी की लकड़ी, छोटी इलायची और लौंग डालेंगे। अब इस चिकन को हम इस मक्खन में ऐड करेंगे और इसे ढककर थोड़ी देर हम इसे पकने देंगे। इस चिकन में से अच्छा खासा पानी रिलीज होगा और इसे हमें पानी के सूखने तक पकाना है। बीच में आप इसे एक बार खोल के बोटियों को पलट दीजिए। करीब 10 से 15 मिनट पकने के बाद अब ये जो चिकन है ये अच्छे से चारों तरफ से सिक चुका है और इसका जो पानी था वो भी सूख चुका है। आप देख सकते हैं चिकन के ऊपर अच्छे से सिकने के रेड मार्क्स आ चुके हैं। और चिकन को पलट लेने के बाद अब हम इसमें फ्रेश क्रीम डालेंगे। इसमें क्रीम मिक्स करने के बाद आप इसे कम से कम 2 मिनट और ढक के थोड़ी देर पकने दीजिए। और अब आप इसकी गार्निशिंग धनिया लीव से कीजिए और इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। ये बनाने में काफ़ी आसान है और खाने में काफ़ी टेस्टी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। हमारी वीडियो को आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया।